हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन। आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस पे अप्लाई होती है, इसके सोर्सेस देखेंगे और इसके एमसीक्यूज जो मैंने बनाए आपके लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम देखते हैं ओपिनियन किसे कहते हैं। ओपिनियन कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को, और पब्लिक कहते हैं ऑफ और कंसर्निंग द पीपल एज अ होल। अच्छा, अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन कंसर्न विद द मैटर ऑफ पब्लिक, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। यानी पब्लिक ओपिनियन जो है वो कंसर्न करता है मैटर ऑफ पब्लिक से, यानी जितने मामलात हैं अपना लोगों के उनसे ये कंसर्न करता है, ये किसी ख़ास ग्रुप के मामलात से कंसर्न नहीं करता। पब्लिक ओपिनियन इज़ फॉर सोशल वेलफेयर, यानी ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये फलाह बहबूद के लिए होती है। द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज़ एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जो सोसाइटी की वेलफेयर है ये एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है पब्लिक ओपिनियन का। पब्लिक ओपिनियन इज़ द लॉजिकल व्यू ऑफ थिंग्स। पब्लिक ओपिनियन जो है ये लॉजिकल वे में चीज़ों को देखना है, यानी कोई ना कोई चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होता है उसके ऊपर ये फोकस करता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये प्रोडक्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। ह्यूमन इंटरेक्शन यानी जब इंसान एक इंसान दूसरे से मिलता है और अपने राय का इजहार करता है। इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एज और टाइम, ये एक पार्टिकुलर एज और टाइम से बिलोंग करता है यानी रिलेट करता है। इट इज़ टू बी इवेल्यूएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिकुलर पब्लिक ओपिनियन है एज अ कल्चरल प्लेस कल्चरल बेस। यानी जो पब्लिक ओपिनियन है इसकी एक सकाफती बुनियाद होती है। द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन, जो सोसाइटी का कल्चर होता है, तहजीब और सकाफत होती है, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है अपना पब्लिक ओपिनियन पे। पब्लिक ओपिनियन इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन ओकेजन्स। अच्छा, ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये एक्सप्रेस होती है, यानी लोग इजहार करते हैं अपनी राय का किसी ओकेजन के ऊपर या इवेंट के ऊपर। इट इंक्लूड्स मेजोरिटी एंड मिनोरिटी ओपिनियन, इसमें मेजोरिटी की भी ओपिनियन आ जाती है और मिनोरिटी की भी ओपिनियन आ जाती है। नंबर्स आर नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक ओपिनियन, इसमें नंबर ज़रूरी नहीं है कि कितने पर्सन्स होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स, ये जो है पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स पे बेस नहीं करती। इट इज़ जनरेटेड व्हेन सोशल पॉलिटिकल इशू क्रिएटेड, ये तब जनरेट होती है, ये तब बनती है लोगों से तब उनकी राय ली जाती है जब सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ जो है ना वो क्रिएट होते हैं। इन पब्लिक ओपिनियन मेजोरिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड, यानी जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो इत्तफाक करते हैं एंड एग्री, यानी वो इकट्ठे होते हैं और एक बात पे इत्तफाक करते हैं। अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशंस। ग्रुप ऑफ पीपल फिजिकली सेपरेट, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का ऐसा ग्रुप जो फिज़िकली सेपरेट हो। अब फिज़िकली सेपरेट से मुराद ये आप कह सकते हैं कि आपका कोई ऐसा फ़र्द जो आपका यानी आपके घर में तो नहीं रहता, वो कहीं दूर भी रह सकता है कहीं पास भी रह सकता है लेकिन वो आपके घर का मेंबर नहीं हो, ये होना लाजमी नहीं है। बट रिलेटेड टू वन एंड अदर, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ, किस बेस के ऊपर, कॉमन डायरेक्शन की बेस पर, कॉमन एक्शन यानी जो हमने एक्शन करना होगा वो कॉमन होगा, एंड कॉमन इंटरेस्ट, और हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। दूसरी डेफिनेशन है पब्लिक ओपिनियन में बी डिफाइंड एज द ओपिनियन ऑफ पीपल, ये ओपिनियन है लोगों की, हेल्प देम ऑन एनी इशू,
फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो कि इनकी मदद करती है किसी किसी भी इशू को ख़त्म करने में और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये एक कलेक्टिव, यानी जिसमें ज़्यादा लोग सारे के सारे लोग जो है ना वो अपनी राय देते हैं। इट इज़ एन ओपिनियन इन विच पीपल फाइंड इट सेल्फ फॉर एनी रीज़न कंस्ट्रेंड। अच्छा, ये वो ओपिनियन होती है जिसमें जो पब्लिक है वो खुद को ऐसे देखती है कि ये सारी रुकावटें मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू किम वॉल योंग ने क्या कहा है, इज़ अ व्यू डैट इन पब्लिक ओपिनियन में भी रैशनल, के रैशनल ओपिनियन जो हो सकती है वो रैशनल भी हो सकती है, यानी वो नंबर पे भी बेस कर सकती है। रैशनल कहते हैं एक्चुअली नंबर को, और बेस्ड अपॉन सम कन्विक्शन, और ये हो सकता है किसी रवायत पे भी मबनी कर रही हो, और इट मे बी प्रसीव फ्रॉम द फीलिंग्स एंड इमोशंस, और ये जो है फीलिंग्स और इमोशंस पे भी डिपेंड कर सकती है। कंडीशंस जो इसकी है थी जो इस पे असर अंदाज करती थी वो उधर से हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी एजुकेटेड, जो पब्लिक ओपिनियन है वो एजुकेटेड होनी चाहिए, यानी अनपढ़ लोगों को यार क्या पता कि क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक, इसलिए उन्होंने एक कंडीशन ये भी रखी है कि ये जो है एजुकेटेड होनी चाहिए, एजुकेटेड लोगों की होनी चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को ख़त्म कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ हारमोनी एंड पीस इन अमंग द पीपल, प्रेजेंस ऑफ हारमोनी और जो है पीस, इसका मतलब है कि अपना माशरे में जो है ना अमन व अमान की सूरत हाल होनी चाहिए। द मीडिया मस्ट बी ऑनेस्ट इन एंड इम्पार्शल, यानी जो मीडिया होगा उस इलाके का वो ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी वो ईमानदार होना चाहिए और इम्पार्शल होना चाहिए, और किसी की जो वो साइड ना ले, जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है लोगों का वो वैसे ही पेश करे सामने, क्योंकि आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं ये मीडिया वाले भी ऐसे ही करते हैं कि जी जिन जिस पार्टी को इन्होंने जिताना होता है ना ये उसकी उसके एडवांटेजेस जो है ना वो दिखाते हैं लोगों को मीडिया पे, तो इससे गलत अफेक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द कंट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक कंट्री में वो भी बेस करनी चाहिए एक साउंड पॉलिटिक्स के ऊपर। अच्छा, सोर्सेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन के जो सोर्सेज हैं वो हैं प्रेस, प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टिंग, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सिनेमास। अच्छा, अब इन्हें ना मैं थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। प्रेस, सबसे पहले आ जाता है प्रेस। प्रेस जो है ये इंक्लूड होता है आपके न्यूज़पेपर पे, पंपलेट्स पे, और जितने भी रिटन लिटरेचर है ना ये उस पर बेस करता है, ठीक है, और ये एक सोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। प्लेटफॉर्म आप ऐसे कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे हम किसी जगह पर कोई स्पीच देने जाते हैं ना वो हमारे लिए प्लेटफॉर्म होता है। जो प्रेस जो है ना, प्रेस जो है ये रिटन के ऊपर बेस करता है, रिटन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, और ये जो है प्लेटफॉर्म इसमें आपने बोल के समझाना होता है और अपने जेस्चर से लोगों को समझाना होता है, और ये जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव फॉर्म जो है ना है पब्लिक ओपिनियन की। ब्रॉडकास्टिंग में हमारा आ जाता है टेलीविज़न और रेडियो, जितने भी आजकल टेलीविज़न और रेडियोस पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं ये सारे ब्रॉडकास्टिंग में आ जाते हैं। लेजिस्लेचर ये मुकन्ना है जो के लोगों की पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ना ये ब्रोकर है एक किस्म के ना पब्लिक ओपिनियन के, इन्हों की एक पार्टीज़ बनी होती हैं, तो जिस तरह ये लोगों के लिए हेल्प करते हैं वैसी जो है ना पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाती है माशरे में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना ये हमारा सबसे प्राइमरी रिसोर्स है
पब्लिक ओपिनियन का, जिससे एक माशरे में जो है ना, वो जब बच्चा अपना परवान चढ़ता है तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से वो तलीम हासिल करता है वो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। वो उसका स्कूल हो सकता है, वो उसका प्राइमरी स्कूल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई अदारा हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई मदरसा हो सकता है। तो ये भी जो है ना, ये पब्लिक ओपिनियन का एक अहम सोर्स है। सिनेमास, अच्छा सिनेमास भी एक जो सोर्स है पब्लिक ओपिनियन का, वो कैसे, वो ऐसे कि सिनेमा में जो है ना, वो लोग करेक्टर की सूरत में जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं करेक्टर बन के ना। पहले वो जानते हैं कि जानते हैं कि यार इसकी, इन लोगों की ना अटेंशन आजकल की किस चीज़ पे है और ट्रेंड क्या चल रहा है, तो फिर वो जो है सिनेमा में वैसे करेक्टर बन के लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है ना, उनको वो मोल्ड भी कर सकते हैं और उसका फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ, अभी हमारे MCQs पढ़े हुए हैं। द पब्लिक ओपिनियन इवोल्यूशन, ये जो है पब्लिक ओपिनियन जो है ये डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट ग्रेजुएशनली ये दोनों पे इंसार करता है। पब्लिक ओपिनियन इज़ डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग एंड वाइड वाइडस्प्रेड बिलीफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी अबाउट अ गिवन सब्जेक्ट और इशू। ये ट्रू है, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन द पब्लिक पब्लिसिटी ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज इन पब्लिक, ये ट्रू है। पॉलिटिकल सिस्टम यूज इन पब्लिक ओपिनियन, ये भी ट्रू है, ये मैंने आपको सोर्सेज में बताया। डिबेट एंड क्रिटिसिज्म रिवाइवल पार्टीज, ये है ओपिनियन स्ट्रॉन्ग डिबेट्स, और ये जो है थी मैंने आपको बताया सेकंड में जो है प्लेटफॉर्म इसमें आ जाता है। एजुकेशनल माइंड हैव यंग यूथ अफेक्ट, ये ट्रू है। ऑब्जर्वेशन किस पे डिपेंड करती है, ऑल ऑफ द अबव। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग अफेक्ट इन पब्लिक ओपिनियन, ये भी ऑल ऑफ द अबव है। पब्लिक मेजर मोरालिटी बेस्ड अपॉन इम्पोर्टेंट रियलिटी बेस, ये दोनों पे डिपेंड करती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसमें। अच्छा इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन या क्वेरी और हो और वो मुझसे पर्सनली बात करना चाह रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ। शुक्रिया।